बिना प्याज लहसुन के बहुत ही कम तेल में हरी भाजी और घर के बेसिक सामान से बना ये नाश्ता आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने करीब एक कप अच्छे से भर के धनिया लिया है, और ये धनिया ना मैंने धो के थोड़ा सुखा दिया था, मतलब पानी पानी नहीं होना चाहिए बहुत धनिया में, हल्का पानी हो तो चलेगा। और बस इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए धनिया को मैंने चॉप कर लिया है, और यहाँ पर मैंने एक छोटा बंच पालक का लिया है, और इसको भी मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है, और पालक को भी हम एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पालक और धनिया को चॉप कर लिया है, हम इसे अलग रखेंगे। और अब मैंने यहाँ एक बोल में लिया है 1.5 कप बेसन, तो नॉर्मल बेसन है बिल्कुल, और इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 कप चावल का आटा। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मतलब 1 टीस्पून के करीब नमक डाल दें आप। इनको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और इसका जैसे पकौड़े का घोल होता है ना, बिल्कुल उसी तरह का घोल तैयार करेंगे। तो पानी ना थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, जिससे लंप फ्री बैटर बने। तो ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लिया है, और ना मैंने इसमें करीब 1 कप भर के अच्छे से पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच तिल या सेसमी सीड्स, और साथ में मैं डाल दूंगी इसमें एकदम थोड़ा सा, मतलब 1/4 टीस्पून गरम मसाला। और बस इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए हमारा बेसिक मिक्सचर बनकर बिल्कुल तैयार है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, थोड़ा थिक है, पकौड़े का घोल होता है, बिल्कुल उसी तरह का है। और आइए चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। और अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, और इसमें थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून ज़ीरा, और साथ में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च और अदरक, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो कोशिश करके आप नॉनस्टिक पैन का यूज़ करें, आप अगर इसको लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे ना तो ये मिक्सचर बहुत चिपकेगा। तो ये देखें आप, हमारा अदरक हरी मिर्च बहुत बढ़िया तरीके से भुन गया है, और बढ़िया खुशबू आ रही है। तो बस अब हमें क्या करना है, ये जो धनिया और पालक हमने काट के रखा था, ये पूरा हम इसमें डाल देंगे, और इनको अब हम हल्का सा भून लेंगे। मतलब भूनने का मतलब ये है थोड़ा सा ड्राई करना है बेसिकली, जो उसमें से एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो ये नाश्ता ना बहुत ही डिफरेंट होता है, और बहुत टेस्टी होता है, और बनाने में काफ़ी आसान, और सारा सामान तो आपको घर पे इसका मिल ही जाएगा। तो ये देखें आप, पालक और धनिया ना हल्का सा भुन गया है, और आपको थोड़ा सा ड्राई ड्राई लग रहा होगा। और अब हम इसमें ये जो बेसन का मिक्सचर है ना, ये पूरा डाल देंगे, और बस अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे, और इसको भूनना है हमें। तो भूनना इतना है कि ये मिक्सचर एकदम थिक हो जाएगा, तब तक हम इसको लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप इसके लिए ना नॉनस्टिक वाला बर्तन लें, इससे ना बहुत भूनने में ईजी हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल वाली कढ़ाई लोगे ना स्टील की, तो वो बहुत ज़्यादा चिपकेगा, और फिर आपका नाश्ता बढ़िया नहीं बनेगा। तो बस इस तरह से इसको दबाते जाएँ अच्छे से स्पैचुला से, और भूनते जाएँ। तो ये देखिए बेसन ना धनिया और पालक के साथ बहुत बढ़िया तरीके से भुन गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बेसन भूनते समय पूरी देर गैस की फ्लेम धीमी रहनी चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को आप किसी भी ग्रीस्ड प्लेट पे इस तरह से निकाल लें, और बस हम इसको सेट कर देंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से दबाइए, और इसको आप प्लेट पर सेट कर लें। बस ध्यान रखिएगा कि आपकी जो प्लेट है ना, ग्रीस होनी चाहिए अच्छे से, जिससे कि इसको बाद में निकालने में ना बहुत ही आसानी रहेगी। तो अच्छे से दबा दबा के इस तरह से इसको सेट करें, और इसको ना बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। मतलब मैं सेट करने के बाद आपको इसको दिखा दूँगी कितना मोटा रखेंगे हम। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर ना अच्छे से सेट हो गया, और आप इसकी थिकनेस देख लें, मतलब ये देखिए मेरी उंगली है, तो बस मैंने इतना ही थिक रखा है इसको। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे ना थोड़े से और सेसमी सीड्स या फिर तिल, इससे ना इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और यहाँ मेरे पास है ना थोड़े से चिली फ्लेक्स, मैं वो डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। और बस इनको डाल के ना हम अच्छे से ऐसे दबा देंगे, जिससे कि ये बेसन में सेट हो जाए। और बस अब हम इस मिक्सचर को ना इसी तरह से छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए, जिससे ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे आगे का प्रोसेस। मिक्सचर को मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, और अभी एकदम ठंडा हो गया है, तो हम इसको काटेंगे। आप कोई भी शेप काट सकते हो जो आपका मन करे, तो मैं ना इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप काट रही हूँ आज। तो ना ये आपने कोथामवीर बड़ी का नाम बहुत सुना होगा, महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश है, तो उसी का एक वर्जन समझ लें आप। उस रेसिपी में क्या करते हैं ना, हम बेसन का मिक्सचर बनाते हैं और उसको स्टीम करते हैं, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो ये ना थोड़ा शॉर्टकट है उसका, पर टेस्ट ना आपको बिल्कुल वैसे ही आने वाला है। तो बस ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है अच्छे से, हम इनको ना इस तरह से निकाल लेंगे, कितने आराम से निकल आया है। तो बस आइए फटाफट अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा तेल गरम किया है, और इनको इस तरह से रख देंगे।
तो एकदम गरम गरम तेल में नहीं डालना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए तेल, हल्का गरम होना चाहिए, उस टाइम हम इसको डाल देंगे। और बस इनको ना दोनों साइड से एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक हमें सेक लेना है। तो अगर आप ऐसे नहीं सेकना चाहते हैं और अगर आपके पास एयर फ्रायर हो तो आप इनको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, उसमें और भी कम तेल लगेगा। तो ये देखिए इनको सेकते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, अब पलट देंगे इनको और आप देख सकते हैं क्या बढ़िया कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं ये। तो ये देखिए मैंने इनको अच्छे से सेक लिया और आप देखें क्या बढ़िया क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो ये देखिए हम इनको निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, फटाफट बन जाती है, आप इसको स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं या फिर दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, उसके साथ भी बहुत बढ़िया लगती है। तो ट्राई करिएगा ये रेसिपी और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।